हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जुगल सोलंकी एंड आई एम इन स्कॉटलैंड राइट नाउ एंड दिस इज माय रोड ट्रिप। सो अभी हम जा रहे हैं ग्लेनफिनन वायाडक। तो आपने ये वायाडक जो है, वो ब्रिज है, वो आपने हैरी पॉटर के मूवी में जरूर देखा होगा। तो हमने हमारी जर्नी सुबह सुबह स्टार्ट की थी आइल ऑफ स्काई, और वहाँ से हमने फेरी ली थी मलांग के लिए। और मलांग से जो ये वायाडक है, जो ये ब्रिज है, वो 45 मिनट की दूरी पे है। और हमने लिया A830 रूट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और एवरीवेयर यू विल सी ग्रीनरी। और काफ़ी रिफ्रेशिंग जर्नी थी हमारी वायाडक पहुँचने तक की। और ये काफ़ी नैरो रोड है, बट बिलीव मी, आपको ऐसे ही रोड पूरे स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड एरिया है, जो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे, ऐसे ही रोड मिलेंगे और काफी ब्यूटीफुल है। आप कभी नहीं भूलोगे ये ड्राइव अपनी लाइफ में। तो पार्किंग स्पॉट पे पहुंचने के बाद हमने कार पार्क कर दी। कार के लिए हमने पे एंड डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे मशीन रहते हैं, वहां से टिकट निकलती है और वो डिस्प्ले करनी पड़ती है। तो पार्किंग स्पेस काफी ह्यूज था। और जो ये सीनरी आप देख सकते हैं पूरे एरिया, छोटा सा स्नैक ब्रेकफास्ट करके हम निकले हैं ब्रिज की तरफ। ब्रिज जो विजिटर सेंटर है उससे तकरीबन ऐसे 300-400 मीटर की दूरी पे है, और ऐसा कच्चा रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए, पार्किंग थोड़ा दूर है। और मैं, यशिका, दीपिका सब रेडी हो गए। यशिका को स्कॉटिश ड्रेस पहना दिया है, टोपी पहना दिए, थोड़ा सन आज हार्श है ऐसा लग रहा है, लेकिन साथ में विंडी भी है। और ये है स्कॉटलैंड की नेचुरल ब्यूटी। हर जगह पे आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, हर जगह पे माउंटेन, हर जगह पे रिवर और ऐसे ओपन फील्ड देखने को मिलेगी। तो ये अब आ रहा है स्लोप, और बहुत ऊपर चढ़ के जाना है ताकि वो व्यू पॉइंट देख सके हम। तो काफी ऊपर की तरफ है ये व्यू पॉइंट और हम वहां पे पहुंच गए। यशिका को उठाते उठाते तो हम है अभी ग्लेनफिनन वायाडक, जो एक ब्रिज है, इसके व्यू पॉइंट पे टॉप पे। और ये जो ब्रिज बहुत फेमस है, हैरी पॉटर में आपने देखा होगा, यहाँ से ट्रेन आते हुए। तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट है ये ब्रिज देखने के लिए। सो ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश, वी आर ऑन टॉप ऑफ दिस हिल वेयर वी कैन सी द होल व्यू ऑफ ब्रिज एंड सराउंडिंग ब्यूटी। और यशिका भी आ गई ऊपर हमारे साथ, उठा उठा के लेके आ गए आखिरकार उसको ऊपर तक, क्योंकि ट्रेन के टाइमिंग है बहुत सारे, लेकिन आज ट्रेन कैंसिल हो गई है पूरे दिन भर के लिए, क्योंकि कुछ मेंटेनेंस वर्क ट्रैक का, इसलिए तो ट्रेन किसी को देखने को आज नहीं मिलेगी, आई थिंक कल भी। लेकिन नॉर्मली उनका टाइमिंग नीचे विजिटिंग सेंटर में लिखा है, तो उस टाइम पे आओगे तो ट्रेन जो है
स्टीम इंजन से चलती है, जेकोबाइट्स बोलते हैं, वो यहाँ से पास होती है और वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है लोगों का, क्योंकि जेकोबाइट्स 84 माइल्स का एक रूट है, काफ़ी सीनिक, वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल सीनिक रूट बोला जाता है इसको, तो वो भी है। लेकिन उसकी बुकिंग पहले से हो जाती है, आई थिंक 3 महीने पहले सब बुक होता है। दूसरा वाला जो व्यू पॉइंट है वो काफी ऊपर की तरफ है, लेकिन हम वहां पे जाएंगे नहीं, यहां से हमने देख लिया, काफी सेटिस्फाई है हम।